छतरपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया और बताया कि हत्या और किसी ने नहीं बल्कि मृतक के दोस्तों ने ही की थी। हत्या करने वाले तीन आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 20 जुलाई को पुलिस को लवकुश नगर रोड पर बोरे में बंद सिरकटा शव मिला था। शव की पहचान चंद्रशेखर चौरसिया के रूप में हुई। मृतक यूपी के महोबा में हिस्ट्री शीटर बदमाश था, जिस पर 10 से ज्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पुलिस को सुराग लगा कि मृतक चंद्रशेखर की हत्या उसके दोस्तों ने की है। पुलिस ने जब मुख्य आरोपी को पकड़ा तो उसने बताया कि चंद्रशेखर और उसके अन्य दो दोस्त पार्टी कर रहे थे, तभी उनका चंद्रशेखर के साथ विवाद हुआ और फिर उसने दो दोस्तों के साथ उसकी गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस अब दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जहाँ पे मृतक का सर नहीं था, इसमें काफ़ी समय लगा, काफ़ी प्रयास किए गए। डीएनए रिपोर्ट के बाद जब मृतक की शिनाख्त की गई, उसके बाद डेटा के आधार पे और मुख्य तंत्र के माध्यम से जो मुख्य आरोपी था उसके बाद यहाँ पे गिरफ्तारी करवाई गई। दो और आरोपियों के फरार होने की गिरफ्तारी जल्द की गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।